संजीवनी बूटी, इसी से बची थी लक्ष्मण की जान। संजीवनी बूटी के इसी पौधे को नहीं पहचान पाए थे हनुमान। लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़े संगठन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च के वैज्ञानिकों ने पौधे को संजीवनी बूटी के तौर पर पहचाना है। यह पौधा लद्दाख में बहुतायत में पाया जाता है। लद्दाख के लोग इसे सी बकथॉर्न के नाम से जानते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालय के इस इलाके में इस अनोखे पौधे की खोज की है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह पौधा धरती का सबसे अद्भुत पौधा है, क्योंकि इसमें एक नहीं अनेक ऐसे औषधीय गुण मिले हैं जो अब तक किसी और पौधे में नहीं देखे गए। इस झाड़ी से लिखे पौधे के फल देखने में ऐसे ही बेहद आकर्षक लग रहे हैं। इसमें कई ऐसे गुण पाए गए हैं जिसकी वजह से इसे कलियों की संजीवनी बूटी कहा जा रहा है। जी हाँ, इसका फल एक ऐसी औषधि के रूप में काम करता है जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। यानी अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो आदमी हमेशा सेहतमंद और निरोग रह सकता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इंसान ने संजीवनी बूटी की पहचान की हो। दरअसल लेह लद्दाख जहाँ की पहाड़ियों में ये पौधे उगते हैं, वहाँ इस पौधे को लोग अच्छी तरह पहचानते हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इस बात से अनजान है कि ये वैसा ही पौधा है जैसा कि संजीवनी बूटी का होता है। स्थानीय लोगों को इसके चमत्कारी गुणों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती पर संजीवनी की उत्पत्ति 30 अरब साल पहले हुई थी। ये पौधा हर तरह से मौसम की मार झेलने में सक्षम है। इसके फल का सेना के कई जवान कई साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके फलों से जूस, जैम और च्यवनप्राश बनाया जाता है। सी बकथॉर्न में ओमेगा फैट भी पाया जाता है जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। शोध करने वालों के मुताबिक इस पौधे में रेडियो प्रोटेक्टिंग क्षमताएं हैं जो इसे दूसरे पौधे से अलग करती हैं। यानी इसके अद्भुत गुणों को देखते हुए इसे संजीवनी कहना जरा भी बेमानी नहीं है। लैब में विज्ञान की कसौटी पर कसने और परखने के बाद जब वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाले नतीजे देखे तो ये सोचने पर मजबूर हो गए तो क्या रामायण काल का ये वही संजीवनी रूपी पौधा है जिसने लक्ष्मण की जान बचाई थी। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पौधा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि रामायण में संजीवनी बूटी का जिक्र है। अब जबकि इसके गुणों के बारे में वैज्ञानिकों ने तमाम तरह की खोज कर डाली है तो इसके फायदे आम जनता तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। तो आज की खोज खबर में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए तेज।